इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ज्यादातर मंदिर अपनी मूर्तियों, अनुष्ठानों, कथाओं, इतिहास या अपनी शिल्पकारी की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन राजस्थान के शहर बीकानेर के करीब स्थित ये मंदिर किसी और ही वजह से मशहूर है। वो वजह भी काफी अद्भुत है। देशनोक का करणी माता मंदिर अपने हजारों चूहों की वजह से चर्चित है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन चूहों को पवित्र मानते हैं। किसी जमाने में बीकानेर के शासकों के लिए ये एक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र था। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर ये मंदिर 15वीं सदी की संत करणी माता को समर्पित है। करणी माता के साथ कई दिलचस्प कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इसीलिए उन्हें उनके जीवन काल में ही देवी का अवतार मान लिया गया था। कई जगह उनका जिक्र एक योद्धा के रूप में भी मिलता है। 15वीं शताब्दी में ये स्थान एक बंजर रेगिस्तान था, जिसे जंगलादेश कहा जाता था। राव बीका, जो जोधपुर के संस्थापक के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो अपने पिता से नाराज होकर जंगलादेश में आए और उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही अपना नया राज्य और अपनी नई राजधानी बीकानेर का निर्माण किया। ये भी कहा जाता है कि जोधपुर के शासक भी करणी माता की पूजा करते थे। एक कहानी ये भी है कि 15वीं या 16वीं शताब्दी में करणी माता ने खुद ही ये मंदिर बनवाया था, लेकिन असली मंदिर निर्माण की सच्चाई इतिहास और कथाओं में छुपी हुई है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर निर्माण का काम 20वीं सदी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के जमाने में पूरा हुआ था। लेकिन ये हजारों चूहे ही हैं जिनकी वजह से पूरे देश से लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। चूहों की यहाँ मौजूदगी की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की मौत होने पर माता ने मृत्यु के देवता यम से उसे वापस जीवित करने की प्रार्थना की थी। यम देवता ने सिर्फ लक्ष्मण को ही नहीं बल्कि माता के सभी बेटों को चूहे के रूप में दोबारा जीवित कर दिया। 20 से 25 हजार चूहे मंदिर परिसर में आजादी से घूमते रहते हैं। इनका स्थानीय नाम कबास है। वैसे तो सभी चूहे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन सफेद चूहे का दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। चूहों को मिठाई और दूध दिया जाता है। देशनोक का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ शिल्पकारी भी सीधी सादी है। अंदर की तरफ गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति है। मंदिर के द्वार बड़ी खूबसूरत डिजाइन में बनाए गए हैं, जो देखने लायक है। ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर के शासकों ने मंदिर को दान दक्षिणा में बहुत कुछ दिया था। यहाँ करणी माता का मेला साल में 2 बार आयोजित होता है। ये मेले नवरात्र के मौके पर यानी मार्च अप्रैल के बीच और सितंबर अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो करणी माता को समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन देशनोक का ये मंदिर सबसे ज्यादा मशहूर है।